अस्सलाम वालेकुम, हैशटैग मुलाकात की नई एपिसोड के साथ रुबीना खान आपके सामने, और हम तमाम देखने वालों को इस वक्त वार्म वेलकम कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। इस नई एपिसोड में क्या होगा वो आपको अभी चंद लम्हात में मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये बात है कि मेरा नया एक चैनल है जिसको यूट्यूब चैनल कहते हैं, और इस चैनल पर मैं मुख्तलिफ आर्टिस्ट से बात कर रही हूँ, पॉलिटिशन से बात कर रही हूँ, लाइफस्टाइल कोच से बात कर रही हूँ। बहुत से टॉपिक्स पर हम आजकल बात कर रहे हैं क्योंकि वर्चुअल मीटिंग का जमाना है, कोविड-19 का जमाना है, वन टू वन मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन ये जरूर है कि हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं, शेयर किया है मेरे साथ आज की स्क्रीन को इफ्तिहार डार ने, जो कि सिंगर है। तो आज का प्रोग्राम तो आपको पता है एंटरटेनिंग होना ही है, देयर इज नो अदर चांस कि आप इसको आज के दिन में एंजॉय नहीं करेंगे। सो सबसे पहले तो वार्म वेलकम है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं रुबीना जी आप? की हाल चाल है जी थोड़ा? अरबी बोले, बोले इंग्लिश बोले, क्या बोले? सब जी इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, अरबी, आपको पता ही है ये चार जुबानों में मेरी जिंदगी जो है गुजर रही है। और हाँ, मेरी फैमिली में फ्रेंच भी है, पांचवी फ्रेंच भी है। अच्छा, तो इफ्तिहार आप सिंगर हैं, आज हमारे साथ सिंगिंग भी करेंगे, और इसके साथ साथ लाइफ में जितनी बातें होती हैं, सिर्फ एक ये नहीं है कि जी हम लाइफ का एक हिस्सा हमारा प्रोफेशन होता है, बल्कि बहुत सी बातें होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगी इफ्तिहार कि आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। सिंगिंग के हवाले से बताऊं? बताइए आपका ताल्लुक कहाँ से, क्योंकि मुझे पता है और फिर हमारी बात हुई कि आप कुवैत में पैदा हुए। वर यू बोर्न इन कुवैत? जी हाँ जी, जी कुवैत में पैदाइश हुई है मेरी रुबीना जी, और उसके बाद मेरी तकरीबन जिंदगी का ज्यादा हिस्सा कुवैत में गुजरा, अरब में। सारी फैमिली अभी तक भी मेरे कुवैत में रह रहे हैं, और उसके बाद मैं पाकिस्तान में चला गया था, और पाकिस्तान में तकरीबन ढाई तीन साल, कुछ अरसा इतना बस निकाल के, उसके बाद इधर पेरिस आ गया था मैं, और पेरिस में तकरीबन 7 साल रह के फिर इधर यूके। आप लोगों की मोहब्बत जो है खींच लाई थी मुझे। जबरदस्त, बहुत अच्छा किया। Obviously you are at a very right place. So ये बताइए कि आपको कब ख्याल आया कि सिंगिंग करनी चाहिए, या आपकी आवाज जो है वो बहुत अच्छी है और आप गा सकते हैं। एक्चुअली मैंने आपको बहुत अच्छा सुना है गाते हुए, बहुत खूबसूरत गाते हैं, तो बहुत से लोग शायद आज पहली दफा आपको सुनेंगे, लेकिन आपको खुद जाती तौर पर कब ख्याल आया? मुझे मेरे कुछ अरब में उधर दोस्त थे, तो उनके साथ मिलके हम, जैसा कि वो निकल जाना चिल के लिए और ये सब कुछ बीचेस वगैरह में, डेजर्ट्स में, तो उधर ऐसे ही बेहंगम तरीके से गाना हम गाते थे, चिल्लाते थे। तो उसी दौरान जो मेरे कुछ अरब दोस्तों ने मुझे कहा, कहते यार अगर आप सही तरह इसको सीरियस लो तो आप अच्छा गा लेते हो। अरबी में गाता था मैं। अच्छा। और बस उधर से मुझे पता चला था, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि बंदा इतना सीरियस नहीं लेता। और फिर चलते चलते जब पाकिस्तान में मुझे रहने का मौका मिला, तो पाकिस्तान में कुछ अपने इस तरह की महाफिल वगैरह का को ज्वाइन किया, वहां पे मौसीकी सुनी मैंने, मुझे पता चला कि मौसीकी क्या होती है, और ये वहां से फिर इसने शिद्दत पकड़ी थी फिर, और बस थ्रू आउट फिर इसको कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया। अभी पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से प्रॉपर इसको मैं सीरियसली ले रहा हूँ। सीरियस ले रहे हैं, तो हम क्यों ना कुछ शोरगुल वाला, थोड़ा बेहंगम, थोड़ा सहरा वाला, सहरा में क्या गाते थे जरा हमें पता तो चले। सहरा में माई फेवरेट, यू नो लाइक थिंग, अगर कोई कहे दरिया तो होता है, लेकिन सहरा की अपनी एक एक अजीब सी उसका मिस्ट्री होती है। अब सहरा में हम लोग काफी कुछ गाते थे, लेकिन एक गाना अरबी का था जो अभी तक वो चल रहा है, गर्दिश कर रहा है ज़हन में, लेकिन आई एम अफ्रेड के पता नहीं नाजरीन को वो समझ में भी आएगी या आपको, अगर आप कहती हैं तो मैं गुनगुना देता हूँ आपके लिए। प्लीज प्लीज जरूर गुनगुनाइए, हमें मालूम होना जी।
आपकी इजाजत से और तमाम जो है सुनने वालों की इजाजत से प्लीज वो था कि अलगानी वादियों में يبكيل الدمع العين يشكي من حبك دي يحكي وانا نار تعي وسمعت فكر شريك وسكت قلبي شهيد ألقاني بعض يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حبك ديد يحكي وانا نار تيد وسمعت فكر شريد وسكت وقلبي شهيد وانا اللي كنت فاكره اني وحشتك من بعدي فاجئني بقصه تانيه ضيعت الحلم الوردي وانا اللي كنت فاكره اني وحدي اللي في قلبه اتاري وحده تانيه جت في تانيه شغلت قلبه जबरदस्त. अच्छा तो इससे हमें समझ कुछ हमने अंडरस्टैंड किया हो या ना किया हो हमें पता ही चल गया कि यू नो अरेबिक लैंग्वेज तो बिल्कुल है ना. अच्छा अभी आपने कहा कि आप पाकिस्तान में आपने फिर बकायदा सीरियस लिया कि आपको वाकई इंस्पिरेशन मिली कि आपके दोस्त अहबाब के लिए आपकी आवाज अच्छी है. तो इससे पहले कि हम आपसे कुछ और सवाल पूछें जरा एक हो जाए उर्दू में गीत हो जाए जो भी आपका दिल चाहे. जी उर्दू में सैंपल तो हो ना कि जी क्या गाते हैं आप. जी टू बी ऑनेस्ट इसमें रुबीना जी आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं तो अपने नए गानों पे काम कर रहा हूँ जी. अच्छा. और काफी जो कराची और लाहौर में जो जितने एक बड़े नाम है प्रोफेशनल म्यूजिक मेकर उनके साथ मेरे कॉन्टेक्ट चल रहे हैं और मैं कुछ बनाए भी हैं कुछ चल रहे है. लेकिन आप यहाँ पे जब इस तरह की दोस्तों की महफिल आती है कुछ इस तरह का कभी कभार मौका स्टेज पे यहाँ पे मिलता है मैनचेस्टर में तो कुछ यही है कि वो लेजेंड जो कुछ हमारे उनको एक ट्रिब्यूट की शक्ल में वो अपना मन हल्का कर लेता हूँ मैं और अपना शौक भी पूरा हो जाता है. तो इसी हवाले से मैं मेहंदी हसन और साहब और रेशमा जी और नुसरत फतेह अली खान आपको पता है ये लेजेंड्स हैं. चले मैं आपको एक दो दो तीन तीन लाइनों में इनकी एक मेडली बना के मैं तमाम जो देखने और सुनने वालों की नजर है और आपके जी मजा आएगा जरूर. मुझे दिल से ना भुलाना चाहे रोके ये जमाना तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं जब भी देखो तुम्हें मुझको डसने लगे यादों की परछाइयां यादों के परछाइयां तुम न होते कैसे कटती मुझसे ये तन्हाइयां तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं.
बहुत याद आएंगे ये दिन मुझे तड़पाएंगे ये दिन सनम तेरी कसम। बहुत याद आएंगे तेरा पूछना मुझसे के तुझको प्यार है मुझसे, वो तेरा मुस्कुरा देना, निगाहों का झुका देना, मेरे कंधे पे सर रख कर नफी में सर हिला देना, न भूले जाएंगे वो दिन सनम तेरी कसम। बहुत याद आएंगे रोग हिजर मुकावे, सुखदा कोई साना, सुख आ दे दिल विच मेरे, चारों पासे दिसन हने, दुनिया विछड़े नहीं परवा, दिलदार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, किथे नैन न जोड़ी मेरा मन न तोड़ी, तेनू वास्ता खुदा दा वागा वतना नू मोड़ी, किथे नैन न जोड़ी किथे नैन न जोड़ी। जी जबरदस्त जबरदस्त। और इस वक्त मैं कहूंगी कि जो लोग हमें कॉल कर रहे हैं वो प्लीज कॉल ना करें, हम इस वक्त कॉल अटेंड नहीं कर पाएंगे, और इस वक्त हम सिर्फ बात करेंगे। इफ्तिहार डार हमारे साथ हैं जो हमें गीत सुनाएंगे, हम उनसे कुछ बातें भी करेंगे, लेकिन इसके अलावा हम कॉल्स अटेंड नहीं करेंगे। खास तौर पे इस वक्त मैं देख रही हूँ कि हमारी स्क्रीन पर मैसेंजर पर बहुत से लोग कॉल करने लग रहे हैं, और तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग अस एट द मोमेंट। और आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, मैसेज सेंड कीजिए। तो मैंने उस स्क्रीन पर कुछ और आ गया था एंड आई जस्ट टुक टाइम टू रिमूव इट। अभी जो पिछले दिनों इत्तफाक ये हुआ, मैं शेयर कर लूं अगर आप बुरा ना माने, कि पिछले दिनों हुआ क्या, उस वीडियो का थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। इत्तेहार डार मेरी तरफ पर हमारे साथ है। कुछ पिछले हफ्ते की बात है कि मैंने एक, जैसे आजकल चीजें वायरल होती हैं, मैंने इत्तेहार डार की एक वीडियो देखी जिसमें ये बड़े मजे से मेज बजाते हुए गा रहे थे, सावन आए सावन जाए। मैंने सोचा ये तो लड़का देखा देखा है, ये कहाँ देखा है। फिर वो हमारी एक मीटिंग थी और उसके में आप गा रहे थे, वो गाना हो जाए, वो गाना हो जाए, बहुत अच्छा जरूरी। जी ठीक है। जी प्लीज। मोरे सजना सजना कब होगा पूरा पूरा, ये सदियों का सपना सपना।
सावन आए, सावन जाए, तुझको पुकारे मीत हमारे, सावन आए, कितनी बहारे बीत चुकी हैं, तेरे मिलन की आस लगाए, ओ तुझको न पाके रोए बसुरिया, पतझड़ सी हर रुत हो जाए रे, नदिया की लहरें ओ पेड़ों के साए, कुछ भी न भाए मीत हमारे, आ जा रे मोरे सजना, मोरे सजना, मोरे सजना, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू थैंक यू, यू आर वेरी वेलकम, बहुत अच्छा गीत आपने गाया। अच्छा आपने कहा हर गाने को थोड़ा थोड़ा करके, ताकि चले बातचीत का और बाकी गानों की भी गुंजाइश रहे, सब कुछ साथ साथ चलेगा, साइड बाय साइड। अभी हम बात कर रहे थे स्किल्स की, गाने के लिए कितनी स्किल्स चाहिए होती है, क्या सारे रागों पर आपको आने चाहिए, या एक आजकल तो लोग बहुत से बहुत मशहूर सिंगर्स कह रहे होते हैं कि वो उनका कोई उस्ताद नहीं है, बहुत सा ऐसा देखा गया, तो आपको लगता है उस्ताद जरूरी है या आप खुद रियाज करके एक्सरसाइज करके कर सकते हैं? देखे उस्ताद बहुत जरूरी है। देखें ये इस फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ कि मैं इस हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि जैसा कि आप अगर मेरा यकीन है कि एक लफ्ज भी आप कहीं से पिक करते हैं सीखते हैं वो उसको आप अपने उस्ताद ही समझे, ठीक है। बाज दफा ऐसा होता है कि उस्ताद बाकायदा उस्तादी शागिर्दी की जाती है रुबीना जी, और बाज दफा ऐसा होता है कि बंदा मुख्तलिफ जगहों पे जाके मुख्तलिफ उस्तादों के पास बैठ के काफी कुछ सीखता है, और इसी तरह मतलब आप चूंकि शौक और जुनून होता है बंदे में तो वो हर चीज जो पिक करता जाता है लेकिन अगर नहीं भी उस्तादी शागिर्दी अगर किसी ने की तो जहां जहां से आपने जो भी पिक किया है इवन जो भी वो आपके उस्ताद ही हैं, लेकिन बगैर उस्ताद के अगर बंदा कहे कि एक कमरे में बैठ के मैं अपनी एक दुनिया बना के और उसमें खुद ही मैं अपने आप को मतलब सिखाऊं और खुद मैं, तो ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए काफी हार्ड वर्क चाहिए होता है, काफी रियाजत चाहिए होती है। जी मैं बिल्कुल कर रहा हूँ लगातार, पिछले तकरीबन पहले तो ऐसे ही इतना मैं सीरियस नहीं था, लेकिन पिछले तकरीबन डेढ़ दो साल के दौरान अब जब से मैंने इसको सीरियस लिया तो बहुत मेरे दोस्त मेरी फैमिली सब जानते हैं कि मेरा हार्ड वर्क जो है इसमें वो कैसा जा रहा है। जी बाकायदा बिल्कुल इफ्तिहार, एक बात है कि कोई भी काम हो, कोई भी काम, किसी भी एक टॉपिक को, किसी भी एक प्रोफेशन को ले ले, बगैर हार्ड वर्क के तो आप अचीव कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है कि खास तौर पे जब आप मीडिया में आते हैं और आप सिंगिंग का प्रोफेशन,
इतने बेशुमार अच्छे लोग गाना गा चुके हैं, उनके गाने अभी भी मशहूर हैं और आने ये इसी तरह चलता रहेगा। कभी आपको कोई शक हुआ या डर लगा कि इनके अगर कामयाबी ना मिली तो क्या होगा, अगर मैं मशहूर ना हुआ या मेरी हार्ड वर्क में कमी रहे, मतलब आपको क्या लगता है, कभी डर लगता है कामयाबी ना मिलने का? टू बी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल नहीं डरता इस बात से, और उसकी वजह एक ये भी है रवीना जी कि मैंने स्पोर्ट्स में मेरी बहुत जिंदगी गुजरी है जी। इनफैक्ट अगर आप पूछें तो मुझे ज्यादा मेरे बचपन के दोस्त और जितने भी नजदीकी वो ज्यादा स्पोर्ट्स मैन ही मुझे देखते हैं, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स और एडवेंचर और सहराओं में और जितने भी समुन्द्र की जितनी भी ये एक्टिविटीज होती हैं उनमें मेरी जिंदगी गुजरी है। जी बहुत, ये एक लंबी दास्तान है। हाँ जी, टाइम इतना शॉर्ट है, ये एक बहुत उसके लिए एक अलग से वो प्रोग्राम, बहुत सारी एक्टिविटीज और मैंने मतलब ये जितने भी हो गए बड़े बड़े सहराओं में, ये हो गए इधर समुद्रों में, इतने खतरे नजदीक से देखे कि ये तो मामूली सा, मुझे कभी भी डर नहीं लगा कामयाबी से। स्पेशली जब मैं देखता हूँ ना कि बड़े बड़े जो है ना वो ऐसे ही उठ के उन्होंने मतलब गाना रिकॉर्ड किया है, कितने हैं जो बिल्कुल उनका नामो निशान नहीं रहता, बिल्कुल कोई, कितने ऐसे वो क्लिक कर जाते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये हार्ड वर्क जारी रखे बंदा अपना और अल्लाह ताला पे तवक्कुल, उसके बाद अपनी किस्मत पे यकीन जो है ना, बस यही दो तीन चीजें हैं, इसको लेके बंदा चले। और मैं तो इसको नॉन सीरियस भी जब कर रहा था, कुवैत में मैंने किए तो उधर भी मुझे पजेराई अच्छी अल्लाह का शुक्र है हुई थी, लोग कहते थे कि आप गाया करें स्टेज पे आके। उसके बाद पेरिस में मेरा थोड़ा टाइम गुजरा, पेरिस में मैंने कुछ शोज किए और बाकायदा इधर नॉर्थ मैनचेस्टर में यूके में आके मैंने शोज किए हैं, और मुझे कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं अगर गाना गाऊंगा तो अगर किसी ने ना पसंद, चले पसंद किया तो ठीक है, ना पसंद किया तो हाँ मेरे लिए ये मार्जिन जरूर निकल आएगा कि मैं फिर अपना जो है ना अपने पे थोड़ा नजर दौड़ाऊंगा कि कहाँ पे कमी बेशी रह गई है, अब उसको मैं सही करूँ। एग्जैक्टली इसी बात के लिए मेरा ये सवाल था कि जब भी आपको ये लगता है, या किसी की बात, सबकी बात कर रही हूँ मैं, इन जनरल बात की, और खासतौर पे वो लोग जो किसी भी फील्ड में जाते हैं और उनको लगता है कि क्या होगा, तो क्या होगा तो सोचना नहीं होता, और अगर नाकामी आती है वो आपके लिए एक लेसन होता है और उस लेसन से आप सीखते हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि आप चलते जाएं, हार्डवर्क करते रहें। अभी आपको पता है हम सब लोग अरिजीत सिंह को कितना पसंद करते हैं, जो बॉलीवुड के सिंगर हैं जी, कितना पसंद करते हैं, और उनके गाए हुए सभी गाने सभी के दिलों के बहुत करीब है। इंडियन आइडल ने उसको उनको फेल कर दिया था कि तुम्हारी आवाज नहीं अच्छी, और अब देखिए यानी आपको चैलेंजेस मिलते हैं, आपको रिजेक्शन भी मिलती है, और आपको बहुत क्रिटिसिज्म भी मिलता है लाइफ में, और हम लोग जो मीडिया के लोग हैं उनको तो हर वक्त हम लोगों के ऊपर, कई दफा तो मैं कहती हूँ हम लोग हर वक्त कोर्ट में मौजूद होते हैं, हमारा कोई लफ्ज़ हमारी कोई बात हमेशा लोग उससे इम्प्रेस भी होते हैं या हमें वो कटहरे में भी ले जाते हैं, तो ये बड़ी बात है। लेकिन हर चीज, हर बात आपके लिए एक लेसन है, तो कोई बात नहीं, उससे जिंदगी चलती रहती है। तो आपका जवाब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये कहा कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो इंसान और मेहनत करता है, तो और फिर बिल्कुल सही। मैं बल्कि यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा रवीना जी, यहाँ पे एक जरूरी बात और भी रह गई थी मेरी इस सवाल के जी। इसके साथ साथ बंदे को अपना दिल और दिमाग बड़ा रखना चाहिए। ये देखें, मैं शुक्र करता हूँ कि मैं किसी महफिल में किसी अच्छा कोई सुनने वाला आ जाए, अच्छा कोई सॉरी गाने वाला आ जाए और मुझे सुनने का मौका मिले, और यहाँ तक के नए जो जितने भी हैं और यहाँ पे भी इधर नॉर्थ मैनचेस्टर में स्पेशली जब हम करते हैं, कोई अगर कभी सुर में कोई अच्छा गाने वाला या गाने वाली आ जाए तो बहुत ज्यादा हम लोग शौक से, मैं फिर उस कभी कभी तो मैं ये भी भूल जाता हूँ कि मेरा भी गाने से ताल्लुक है, इतने शौक और जोक से सुनते हैं, और जहाँ जहाँ पे
नए लोगों के लिए जो थोड़ी बहुत मतलब अगर सपोर्ट भी होती है तो हम लोग कम पीछे नहीं हटते करते हैं कि ये मेरे ख्याल से ये एक इतनी नेक नीति होनी चाहिए कि आप फराख दिली के साथ चलें, बाकी मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की करम नवाजी बंदे के साथ रहती है, कोई ऐसा वो नहीं रहता अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मिसाल आपके सामने है, मेरे जितने इधर शोज वगैरह हुए हैं वो सारे अच्छे थे, लोगों ने पसंद किए हैं और दोबारा से डिमांड की गई है कि आप आए स्टेज पर। वो तो ये कोविड 19 जाए तो हम लोग शोज करें और हम लोग शोज में जाएं, लाइफ बिल्कुल बदल गई है। और वो जो एक महफिलें थी, इवेंट्स थे, वो तो अभी ख्वाबो ख्याल से हो गए, लेकिन होपफुली बहुत जल्द वापस आएगा। अच्छा, ये बात तो है कि स्क्रीन की रियाजत की, मतलब उसकी प्रैक्टिस की सब चीजें। अच्छा, जब आप किसी बड़े सिंगर से मिलते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो नए आने वालों की हौसला अफजाई करते हैं, कुछ आप उनसे सीख तो सकते हैं घर बैठे, उनके आप जो है नंबर्स वो प्ले करें और आप सीख सकते हैं, लेकिन जब आप पर्सनली किसी से मिलते हैं तो आपको लगता है कि दे गिव यू अ गुड एडवाइस, या वो समझते हैं कि नहीं देते कोई? मैं चूंकि मैं मेरी एक बड़ी पसंदीदा शख्सियत जो है ना इंटरव्यू कर रही है, और यहाँ पे मैं कोई भी मुबालिगा और कोई भी वो हिकमत अमली की जिसे बात कहते हैं वो, या वो ठीक है वो, उसमें नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट हुए मैं हर सवाल का जवाब देना चाहता हूँ रवीना जी, के मैं आपको सच बताऊं कि एक मेरे कुछ ऐसे मुलाकातें हुई हैं जो जहाँ पे दो तीन तीन दफा मेरी बैठकें हुई हैं, और वहां से थोड़ा सा आप समझ लें कि मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से कुछ चीजें पिक की और कुछ चीजें थोड़ी सी वो जो तराश खराश जिसे कहते हैं उन्होंने की हैं, लेकिन ये बहुत कम है, ऐसा कम है जी। अब काफी ऐसा रह रहा है, नायाब है ये चीजें, अकेडमीज वगैरह की उसातज़ा की कमी है यहाँ पर, लेकिन बीच में हैं ऐसे भी, लेकिन चूंकि मेरा इसलिए भी अब मैं नहीं कहता है सही है, बिल्कुल हैं, मेरा इसलिए भी इस बारे में कुछ इतना अब वो नहीं है नॉलेज, क्योंकि मैंने तकरीबन पिछले 2 साल से जब से सीरियस हुआ हूं तो मैंने तो अपने आप को महदूद कर लिया है। ठीक है, जितनी तराश खराश थी पाकिस्तान में वो थोड़ी बहुत आगे पीछे कुछ ऑब्जर्वेशन कुछ ठीक, लेकिन अब मैंने पिछले 1.5-2 साल से तकरीबन मैंने YouTube तक महदूद कर लिया खुद को यहाँ पे, शायद मैं मतलब यही कहूंगा कि YouTube से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, अगर बंदा पिक करना चाहे तो बहुत कुछ है वहां पे, बहुत कुछ है। और अभी पाकिस्तान में कुछ जब एक खदशा सा फैला था कि शायद यूट्यूब बंद हो जाएगी, तो ये बहुत ज्यादती है क्योंकि बहुत से लोग उससे सही फायदा उठा रहे होते हैं। अच्छा, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, यूट्यूब की आपने बात की है, हम भी यूट्यूब पे जा रहे हैं, मेरा अपना चैनल है, जो देखने वाले इस वक्त हमें देख रहे हैं प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल, और सुनिए और देखिए कि हम इस वक्त इस चैनल के जरिए क्या क्या पैगाम दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी है, इंफॉर्मेशन भी है। अच्छा, यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी आपको मिल जाते हैं लेसन जिसमें वोकल्स की प्रैक्टिस होती है, तो आपको आपने कभी देखा और क्या उनसे मतलब, ख्वाह वो इंग्लिश हो ख्वाह वो हमारी लोग हो, सजाद अली जो हमारे बड़े सिंगर हैं वो भी लेसन दे रहे होते हैं, तो उनसे वो भी हेल्पफुल होते हैं कभी? मैंने सच्ची बात है सजाद अली साहब का चैनल तो नहीं कभी मैंने इत्तफाक हुआ देखने का, लेकिन जी उसके अलावा कभी और बहुत सारे हैं, बहुत से हैं और, लेकिन आपको अपनी जो हाजिर दिमागी है वो रखनी पड़ती है, मतलब ये है कि हर बंदा इतनी परफेक्शन के साथ नहीं दे रहा। मिसाल के तौर पे आज आपने अगर 4 लोगों को देखा है तो 4 लोगों को देखने के बाद जो जो पॉइंट्स आपको वैलिड लगे हैं वो नोट कर लें, उनको अडॉप्ट कर लें, और जो चीजें आपको नहीं इतनी मतलब हजम हो रही उनको इग्नोर कर दें, ये टेक्निक मैंने रखी हुई है अपनी। अच्छा, अगर आपको लगे कि आप गानों में आप वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स हैं जो आप, यानी कि आप क्लासिकल, आपने सारी मुझे बताए जो राग होते हैं और वो पता नहीं हमारे सुनने वालों के लिए इंटरेस्टिंग, मेरे लिए तो खैर है और लोग भी चाहते हैं, लेकिन आपको अगर गाना एक होता है फिल्मी गीत है, गजल है, कौन सी चीज आप पर्सनली पसंद करती हैं गाने के लिए?
जी दोबारा प्लीज बोलेंगे, ये आवाज अच्छा, नो प्रॉब्लम। ये तो टेक्निकल, हम इस वक्त तमाम लोगों भी से भी कहेंगे जो हमें देख रहे हैं कि ये टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यही बड़ी मैं कहती हूँ इनकी मेहरबानी है इस वक्त जूम की, और इस वक्त जो हम लोग लाइव चले जाते हैं और मुलाकातें कर सकते हैं मुलाकात, तो यही बड़ी आवाज आपको नहीं गई। मैं कह रही हूँ कि पर्सनली आपको कैसे गीत पसंद है, आपको क्लासिकल पसंद है, नीम क्लासिकल पसंद है, गजलें पसंद है जिसमें, या फिर आपको एक जैसे कि एंटरटेनिंग लाइट फिल्मी गीत पसंद? मुझे मुझे रवीना जी हर तरह का म्यूजिक पसंद है, मैं सुनता हूँ क्लासिकल, लाइट क्लासिकल, और पॉप रॉक हो गया, और उसके बाद सूफी हो गया, मुझे सारे म्यूजिक, मतलब जो जो कोई अपने उस फॉर्म में महारत रखता है मैं उसको जरूर सुनता हूँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इंसान का मूड भी तो होता है, डू यू एग्री विद दिस? कभी कभी आपको दिल चाहता है कि आप बस फिल्मी सॉन्ग सुने, इट डिपेंड्स कि आपका मूड कभी होता है, आप बड़ी गहरे मूड में होते हैं, आप सोचते हैं कोई गजल हो जाए, गजल सुने जाए, और कभी आप कोई, इवन आजकल तो हमारे जो ड्रामो के ओएसटीज हैं वो ही बहुत पसंद किए जा रहे हैं। अच्छा, नोरीन ने मैसेज किया है, अनवर साहब हमारे साथ हैं जो कि हल्का अरबाब शौक के चेयरपर्सन हैं, हमने बहुत से मुशायरे किए हैं, आप अभी देखिएगा इंशाल्लाह ये खत्म होता है तो हम लोग मैनचेस्टर में अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और अब आज से नहीं कर रहे, बहुत अरसे से कर रहे हैं। तो अनवर साहब की जो है एक फरमाइश वो गजल की है, आप क्या पूरी कर सकते हैं? इत्तेहार डार साहब, केड़ी गजल सुनाएंगे? उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सी सुनाए, लेकिन उन्होंने गजल की फरमाइश की है। जी ठीक है। मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, सैयद अंसर शाह, और बहुत अच्छे शायर हैं, गजल थी जो स्पेशली मेरे लिए उन्होंने लिखी थी, और उन्होंने उनकी ख्वाहिश थी कि वो मैं उसको कंपोज करूं, और उसकी तो मैंने चले दो मिसरे उसके मैं सुना देता हूं। वो थी कि हमसे किसी के बख्त का तारा नहीं मिला, हमसे किसी के बख्त का तारा नहीं मिला, बिछड़ा जो एक बार, बिछड़ा जो एक बार, दोबारा नहीं मिला, हमसे किसी के बख्त का तारा नहीं मिला, कागज की कश्तियों में सवारी का शौक था, कि कश्तियों में सवारी का शौक था, अब ये शिकायतें हैं, अब ये शिकायतें हैं, किनारा नहीं मिला, हमसे किसी के वक्त का तारा नहीं। बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो ये आपने फरमाइश पूरी की है इस टाइम मोहम्मद अनवर साहब की। अभी एक और फरमाइश है, लेकिन बात सुने, मैं लोगों की फरमाइशें क्यों पूरी करूं, मैं अपनी क्यों ना करूं? नहीं, आप जस्ट बोलें, आप मेरे लिए तो हाथ बनते हैं।
मेरा हक तो बहुत बड़ा बनता है, लेकिन बात यह है कि जब भी हम रेडियो प्रोग्राम करते हैं या हम यहाँ पर इस वक्त हैशटैग मुलाकात करते हैं, मैं बहुत ज्यादा जो है रिस्पेक्ट भी है और वैल्यू करती हूँ हमारे उन लोगों की जो अपना टाइम निकाल के इस वक्त हमारे साथ हैं। तो हमारे साथ कामरान मजीद ने हेलो कहा है हमें, हेलो टू यू कामरान, और हेलो टू इफ्तिहार, आपकी आपके लिए उन्होंने हेलो बोला है, और ये है कामरान मजीद, तो आप इनको हेलो बोल सकते हैं। सहीर लखेरा है, आप उनको हेलो बोल सकते हैं। कामरान साहब कैसे हैं आप? जी थैंक यू। और कुलसुम चौधरी है हमारे साथ, जी कुलसुम जी, आप कुलसुम जी के लिए भी आप हेलो बोल दें। और शहजाद शेखर है, इन्होंने ज्वाइन किया है, इनको भी हेलो। हेलो हाय, हेलो जी शहजाद साहब। नईम कुरैशी साहब है, और अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ये डॉक्टर साहब हैं, और आज इन्होंने मुझे थोड़ा सा कहा क्या बात है बहुत काम हो रहा है, तो मैंने कहा जी काम तो हमेशा ही होता है और काम होता ही रहना चाहिए। और नासिर चौधरी साहब हैं जो कि जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, और अभी नौरीन मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, नौरीन रिक्वेस्ट ना भेजे उनसे मुझे ये उम्मीद है नहीं, इसलिए वो रिक्वेस्ट दे रही हूँ। उनकी रिक्वेस्ट पता है क्या है जी? मेरे पास तुम हो, यानी टाइटल ट्रैक ड्रामा। अच्छा, आप ये देखें जरा कि माहौल कैसा बना हुआ है कि इस कोरोना ने, आपने नोट किया है कि COVID-19 ने कितना उदास किया हुआ है लोगों को। जी, जितने भी गाने और गजल वो सिवाय उदासी वाले और कुछ सोच ही नहीं रहा, क्या मुझे ले लें या क्या फरमाइश ले लें। बहरहाल बिल्कुल जनाब, नौरीन ख्वाजा और मुझे पता है इनको ये गाना बहुत पसंद है, और बल्कि ये हमेशा इनको ये गाना अच्छा पसंद आता है और इसकी फरमाइश। चले ठीक है, ये मैं इसको दो लाइन कर देता हूँ। ठीक है, जरूर दो लाइन वाली अच्छी बात की आपने। जी हाँ जी, भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जा, चलो रसमन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तालुक को निभा दे जा, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये फकत मेरे दिल से उतर जाइए गा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। इसके बाकी के दो शेर नूरीन ख्वाजा को मैं फिर सुना दूंगा। अच्छा चलिए, ये अब आपकी मर्जी है, और वैसे आपने बहुत अच्छा गाया है। ये एक ऐसा ओएसटी है कि लोगों के, जब तक ये ड्रामा भी चल रहा था, बहुत सुना गया। और मैं आपको और सबको पता ही है कि रेडियो में प्रोग्राम करती हूँ, मैंने भी इसको बहुत चलाया, और अब लोग जो है ना हाथ जोड़ते हैं मेरे आके, तो मैं फिर भी उनका हाथों को नहीं देखती, मैं कहती हूँ चलेगा, जो चीज अच्छी है जो लोग पसंद करते हैं वो तो होना ही चाहिए।
अच्छा, कोई ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग सी बात जो आपकी लाइफ में हो, आपने कुवैत में आप पैदा हुए, पाकिस्तान, फ्रांस और अब यूके में है, तो आपने या तो कोई बहुत दिलचस्प मजे की बात आपको याद हो मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से, या आपको कभी परफॉर्म करते हुए कोई बड़ा या अनोखा मजे का वाक्य आपको याद आए तो वो हमसे शेयर कीजिए। काफी वाकया, मतलब यही मुझे तो एंजॉय, जब देखें जब ऑडियंस होती है और ऑडियंस जब एंजॉय करना शुरू करती है तो उस वक्त मैं भी फील्ड में चला जाता हूँ जी, और फिर एक माहौल सा बन जाता है, और फिर उसमें जो माहौल बनता है वो सामने बताऊं रवीना जी, बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्त, मुझे अच्छा लगता है वो सारा सीन, वो क्या चीज अच्छी। बात अच्छा, है, बहुत जबरदस्त। ये जो आपने बात की है इसके साथ मुझे एक क्वेश्चन मेरे जहन में आता है। जब आपने कहा कि जब बहुत ऑडियंस का, तो एक सिंगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो तो उसकी मेहनत भी है, उसकी ख्वाहिश भी है, उसको करना भी चाहिए कि ऑडियंस बैठे हैं और उसको बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या ऐसी चीजें होती हैं जो एक शो को बेस्ट बनाती हैं? आप जो आपकी ऑडियंस है उसके मिजाज को, उसकी पसंद को समझना पड़ता है, देखना, सोचना, समझना पड़ता है, और फिर मानना पड़ता है, और फिर करना पड़ता है, और अच्छा, बस यही एक इशारा पढ़ता जी पढ़ता ऐसा ही है, पढ़ता है ऐसा ही बस है। यही एक आसान सी टेक्निक है, इसको आप देख लें और इंशाल्लाह अच्छा फिर माहौल बनने चाहता है जी। अच्छा, यानी इसका मतलब ये है, और मैं ये समझ रही हूँ कि आपने इस वक्त जो बात की है ना, हालांकि आपका इट्स अ काइंड ऑफ पहला इंटरव्यू और आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त ऑनेस्ट हैं और आप चाह रहे हैं कि जो मैं कहूँ उसका ऑनेस्ट जवाब दें, सो आई रियली अप्रिशिएट दिस। इससे मैं आपको एक चीज शेयर करती हूँ इफ्तिहार, पता है वो क्या? पिछले चंद महीनों पहले यहाँ पर आपदा प्रवीण साहिबा तशरीफ लाए, आपने देखा था शो उनका? अच्छा, नहीं या देखा? किस अच्छा, चैनल पे चलो थी वो? नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ पर बहरहाल एक हॉल में था, ये उस वक्त की बात है, भले वक्तों की, जबकि ये COVID-19 नहीं था, तो हम सब देखने जी गए, 7-8 महीने हो गए होंगे। तो जो जैसे उनके मुख्तलिफ गजलें हैं, उनके सूफियाना कलाम है, लेकिन लोगों ने उनको ना एक उस ट्रैक पे डाल दिया और फिर वो सारा वो उसी तरह के गीत और कवालियां उनको गानी पड़ी, और फिर हम यही सोच रहे थे कि देखें एक जो क्राउड होता है वो कैसे ड्राइव करता है एक आर्टिस्ट को, कि फिर उनको उन्होंने उसी तरह के सारे एक ही मतलब मौजू जी लिए हुए या एक ही उसके ऊपर शायरी के साथ उन्होंने सब सुनाए। तो ये आपकी बात ठीक है कि समटाइम्स आपको क्राउड जो है, तो कभी ऐसा हुआ कि क्राउड में से कोई आकर आपको कोई ऐसी बात की जिसने कि आप तो एम्बेरस हो गए? औरतें होती है तो वो ऐसे कर लेती है, या कहती हो। आपको कभी ऐसे एम्बेरसिंग किसी सिचुएशन का तो नहीं सामना करना पड़ा कभी ऐसे, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं। यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल से ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब से 1.5-2 साल से जब मैं सीरियस हुआ म्यूजिक के साथ, और फिर मैंने अपना पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था प्रोग्राम्स में, तो आपको पता है शुरुआत में थोड़ा सा आप गिर गिर के सीखते हैं, ये आप मानेंगे, और शुरुआत में आपके कुछ तजुर्बात इस तरह के भी होते हैं जो याद रह जाती हैं। तो वहां पे मुझे याद है एक शो में, जहाँ पे मेरी शुरुआत के दिन थे ये, तो वहां पे एक वो बिल्कुल पॉप और रॉक टाइप प्रोग्राम था, तो उसमें मैंने अपना ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि चले बाकी जो करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए भी एक नॉलेज होगा कि ये कितना जरूरी है कि ऑडियंस के मिजाज को समझना, उसकी पसंद नापसंद को समझना। और आप यकीन करें कि वहां पे मैंने एक बड़ा घिसा पटा हुआ गाना शुरू कर दिया गाना जी, अच्छा, और वहां पे तकरीबन 50-55 साल पुराना गाना था वो, तो वहां उसका माहौल, ये नहीं है
अभी भी ऑडियंस है कि पुराने गाने जरा थोड़ा सा अपने अंदाज में ऑन करके उन गानों को थोड़ा सा नए म्यूजिक में करें तो लोग पसंद करते हैं, और वही मैं कर भी रहा हूँ। लेकिन वो गाना चूंकि वो उसी अंदाज में था, और ऊपर से मतलब अल्लाह भला करे म्यूजिशियंस का, वो उन्होंने म्यूजिक भी वही बजाना शुरू कर दिया जो पुराना था। अच्छा। मेरी चूंकि उनके साथ वो थी नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं थी, और पहले कोई प्लान नहीं था, तो वो मैंने देखा जब ऑडियंस ने, तो वो उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी आपस में ये उधर, तो मैंने समझ गया कि नहीं यहाँ मुझसे गलती हो गई है। तो ये है कि ये एक आध दफा ऐसा हुआ है, और मेरे ख्याल से बंदा देखें पजल ना हो बंदा, बल्कि उस अपनी गलती की करेक्शन में आप पड़ जाए कि यहाँ पे गलती क्या मुझसे हुई है। जब गलती आप ढूंढना बंदा चाहता है तो उसको मिल ही जाती है कि ये वजह क्या थी, और उसके बाद वो मैंने अपनी गलती सुधार ली थी, और उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ फिर। तो ये एक मेरा वाकया था ऐसा जो मुझे याद रह गया। एक बात मैं आपको यहाँ कह रही हूँ, जब आपने कहा घिसे पिटे मतलब 40-50 40-50s के, या चलें अगर आप 70s 60s 70s की भी बात करते हैं तो आम जुबान में उसको एवरग्रीन सॉन्ग कहते हैं या गोल्डन ओल्डीज कहते हैं, तो वो तो लोगों को बहुत पसंद है जी, तो मैं अभी भी जी मैं अभी भी ज्यादातर जो शोज होते हैं वही गाने थोड़े सा नए म्यूजिक में और उसको ऑन करके वही लिरिक्स वही कंपोजिशन कर रहा हूँ, और बहुत पसंद आते हैं लोगों को। लेकिन वहां पे थोड़ा वो एज इट इज वाला, वो एज इट इज वाली बात हो गई थी कि वो बिल्कुल वो जी, तो बस ये एक मुझे याद रह गया था। और ये मैं इस वजह से हर बात बता रहा हूँ कि ये सारी मतलब वो है कि शायद कोई एक आध बात, क्योंकि मैं जब ढूंढता हूँ चीजें इस तरह की टेक्निक्स वगैरह, तो मेरे होता है कि यार ऐसा कुछ पॉइंट्स मुझे मिले जो बड़े आसान से हों, आम फहम हों और सिंपल हों और आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, तो यही वजह कि मैं एक शायद ये जिसके साथ किसी के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है शायद उसके ये काम आ जाए, उनके लिए काम आ जाए ये वाकई से इस सबक सीख ले। अच्छा, डू यू सिंग इन द शॉवर एंड व्हाट सॉन्ग? सब लोग तो गाते हैं, जिनको कुछ नहीं आता शॉवर में तो सभी गीत गाते हैं, मतलब कोशिश करते हैं। तो जी ऐसा नहीं कभी हुआ कि मेरा इत्तफाक कभी, लेकिन यह कि वाह भाई नहीं गाने का मतलब गाने का मैं समझती हूँ कि आपको इत्तफाक ओके नहीं गाते लेकिन यह कि मुझे जब कभी ना, मुझे याद है मैं कुवैत और पाकिस्तान में जब कभी वो मतलब इस तरह का वो ठंडा पानी जब पड़ता था ना सर पे, तो मुझे याद है वो कभी कभी ना ऐसे ऐसे जो है ना एक गाना था मुझे वो अच्छा लगता था, वो मैं गुनगुनाता था। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। वो था वो मेरी ना वो थोड़ी ठंडक जो जिसे लगती थी वो कम करता था, और वो गाना था वो हम भी तो आग में जलते रहे प्यार के शोलों पे चलते रहे ओ हो दिल रबा दिल पे तू ये सितम किए जा ये था। क्या बात है भाई, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। अच्छा, इससे ठंडा पानी भी गर्म हो जाएगा क्योंकि इसमें हिलजुल बहुत है। आप यकीन करें कि मुझे ठंडा पानी बिल्कुल महसूस, मुझे ऐसे ही लगता था जैसे वो ठंडा पानी जो है बड़ा वार्म सा हो गया और बड़ा सुकून देना शुरू कर देता वो पानी। अच्छा, अगर कभी आपका गीजर खराब हो जाए तमाम सुनने वालों को बता दे तो ये वाला गाना गा लें कि पता नहीं क्या, मुझे तो मैंने तो वैसे कभी सुना नहीं ये वाला गीत, लेकिन ये मेरा ख्याल कारगर नुस्खा जरूर है। तो कुछ हमें वो भी आ रही है, यानी कि जिसको कहते हैं रिक्वेस्ट या देखे, वो भी हम जी बोले। मैं मेरे 1.5-2 साल में कुछ प्राइवेट चैनल्स कुछ और 2-3 टीवी वालों ने रजू किया था मेरे साथ इंटरव्यू के लिए, तो मैंने उन्हें माजरत के साथ इनकार कर दिया था, और इनकार मेरा इसी में था कि मैंने तो अभी कुछ ऐसा नहीं किया जो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग हो, और हाँ जिस दिन मैं आउटस्टैंडिंग कुछ करूंगा तब मैं अपने आप को इस काबिल समझूंगा। आज वो जब
आपके साथ मेरा वो जब प्लान हुआ है तो मुझे खैर मेरी ये मुझे अच्छा लग गया है। कुछ मैंने कल भी अपने दोस्तों को कह रहा था कि कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं, कुछ इतनी प्यारी शख्सियात होती हैं, उनको इनकार करने का सोच भी नहीं सकता बंदा। और ये मेरी मुझे अच्छा भी लगा मेरे दिल को। और जब इंटरव्यू हो ही गया तो मैं मेरा यही है कि क्यों ना सीधी सीधी बातें होनी चाहिए, और इसमें मतलब कुछ अगर कोई इस तरह की बात भी हो जाए जो किसी के काम आ जाए। जी, तो मेरी कोशिश है कि ये सब कुछ अच्छा, इस अगर तरीके से आपकी हो आज ये कोशिश ना भी होती ना, जाए। इत्तेहादार, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर फर्ज करें, वैसे तो आपकी कोशिश है, यू आर अ नाइस ऑनेस्ट पर्सन, और मैं भी हर किसी को नहीं बुलाती, और मुझे भी ये लगता है कि कुछ लोग जो पोटेंशियल है, जो काम कर रहे हैं, उनसे ही बात होनी चाहिए। मतलब हर किसी को चांस मिलना चाहिए, फेयर चांस मीडिया को जी देना चाहिए, और यू नेवर नो कि बिल्कुल कल आपको इससे कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप कितने अच्छे गाने मजीद गाएंगे। आप बहुत अच्छी, आपकी आवाज है और आप गा बहुत अच्छा रहे। लेकिन ये जो बात मैं अभी कह रही हूँ कि आपने कहा मैं सीधी सीधी बात करूं, अभी तक मैंने जितने इंटरव्यूज किए हैं हैशटैग मुलाकात के जरिए, सबने सीधी सीधी बातें की हैं और बहुत लाइट मूड में की हैं, और उनको पता ही नहीं चला कि हम लोग कितने मतलब बिल्कुल ये वो मुलाकात है जो कि 1-to-1 मुलाकात होती है, वो कि हमें बहुत से लोग देख रहे हैं, लेकिन हमारी मतलब ये कि हमारी फीलिंग, हमारी ऑनेस्टी और हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि हम लोगों तक कुछ पैगाम पहुंचाएं, एंटरटेन भी करें, और जो थोड़ी सी बातचीत हो रही है उससे कुछ ना कुछ इंसान सीखता है और टाइम भी अच्छा गुजरता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए एग्री एग्री हाँ, आपका भी बिल्कुल शुक्रिया, और आपसे पहले जितने भी गेस्ट थे उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो जी अगर आपसे ये कहूं कि चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, अच्छा, कुछ गाने जो जी सॉरी, कुछ कुछ गाने ऐसे हैं जो मुझे बचपन से बेहद अच्छे लगते हैं, जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं वो मेरे ऐसे ना मेरे बड़े दिल के करीब, उनमें से एक गाना ये भी है। और कुछ गाने ऐसे हैं जो मैं सुनता हूँ बड़ी लाउडली उनको सुनता हूँ, लेकिन उनको पता नहीं क्यों मैंने मेरी कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उन्होंने, लेकिन चले मैं जितनी इसको मैंने सुना बहुत है लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं, लेकिन दो लाइनें मैं इसको अच्छा का अच्छा कोशिश कर अच्छा पाऊँ, पसंद है और गाया नहीं कभी, कभी दैट्स, गाया नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूं, मैं चलिए कोशिश करता जरिए हूं जी। दो लाइनें, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यार ओ साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, मैं समझोगी बावरे नैना देख रहे थे सपने, ओ देख रहे थे सपने, खा कर तुमको सब कुछ खाया, भाग में था ये अपने। पहली दफा मैंने गाया, आप यकीन करें अच्छा, इसको सुना इतनी दफा। अच्छा, बहुत से गाने हैं, हम आल बी ऑनेस्ट एट दिस टाइम, कि मुझे बहुत से खास तौर पे पंजाबी के गाने कि जो बहुत अच्छे लगते हैं, मलका तरन्नुम नूर जहां के गाए हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई उनमें एक लफ्ज मुझे नहीं आता, और कभी अब कहीं जाके पता चला कि वो लफ्ज बोला क्या गया था, उस वो है क्या। अच्छा, ये जो गीत अभी आपने गाया है, इसमें मुझे लगता है कि एक भूल ही था तेरा प्यार, मैं भी हमेशा ब्लेम अपने आप को ही करती रही, एक भूल ही था मेरा बिल्कुल प्यार नहीं, एक भूल ही था तेरा प्यार ओ साजना, मेरा ख्याल ऐसे है। तो वो ये बात फर्क जी तो कोई जी नहीं पड़ता अलबत्ता, असल में पर मैं आपको सच अच्छा मैं आपको सच बताऊं, इसमें मैंने आपको पता है इस गाने के मतलब जिक्र किया है कि बचपन से ये मुझे गाना पता नहीं क्यों मेरे दिल
मुझे इसकी लिरिक्स शायद अभी तक इसको मैं कभी इतना गौर नहीं, लेकिन इसकी कंपोजिशन मुझे बहुत ही वो फैसिनेट करती है। और मैं जब भी इसको सुना है इसकी हाँ इसके लिरिक्स क्या बात है वो आउटस्टैंडिंग अपनी जगह पे, लेकिन इसकी कंपोजिशन को मैं एंजॉय करता हूँ ज्यादातर। और बिल्कुल ऐसा ही है, एक एक भूल ही था मेरा प्यार इसमें आई या तेरा प्यार? तेरा प्यार, तेरा। चले इंशाल्लाह अच्छा बताए क्या इसमें जो मलका तरन्नुम ने जहाँ गाया है ना उसमें उन्होंने गाया जैसे है ना चलो अच्छा हुआ, तो अभी जो मधुश्री ने गाया है और इसकी मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी, उन्होंने अच्छा इतना प्यारा कहा है, चलो अच्छा को बहुत अच्छा किया है। सो दैट इज अच्छा। अगर आपको एक फरमाइश है पूरी करना चाहें तो जरूर कर दीजिएगा। ये फरमाइश आई है चैन अहमद है और जही लखेरा साहब, चल गए ये जी बिल्कुल चाना अहमद दोस्त है मेरे, और बिल्कुल ये हमेशा इनकी ये फरमाइश होती है। कौन से दोस्त हैं आपके जो मैंने दो नाम कौन से दोस्त अभी जिन्होंने ये फरमाइश की है? मेरे दोनों दोस्त हैं, जहीर लखेरा भी अच्छा, हैं और चाना अहमद भी। ओके जी टान अहमद जो है वो गजल गायक हैं और जहीर लखेरा भाई जो है वो खुद भी गाते हैं और अच्छा गाते हैं, दोनों अच्छे हैं, सुर को समझने वाले लोग हैं। और जी और चले मैं इनकी फरमाइश पूरी कर देता हूँ। चल काए जा आइए आपकी आंखों के नाम होंठों के नाम, छलकाए जाम आइए आपकी आंखों के नाम होंठों के नाम, फूल जैसे तन पे जलवे ये रंगो बुके, ये रंगो बुके आज जाम में उठे इन होंठों को छूके, होंठों को छूके लचकाइए शाखे बदन महकाइए, जुल्फों की शाम छलकाए जा। जी जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। ये था हमारा हैशटैग मुलाकात प्रोग्राम और आपका बहुत शुक्रिया। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि वो हमेशा होता है कि हर किसी को पता है कि रुबीना खान की ये सिफत है कि टाइम का पता नहीं चलता, वो इंटरव्यू को इतना इजी कर देती हैं और बंदे को यही लगता है जैसे एक फैमिली एटमॉस्फेयर में बैठे बात कर रहे हैं। और वाकई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बस 5-10 मिनट हुए हमें और पता ही नहीं चला टाइम का, और बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत शुक्रिया आपके लिए, माय बेस्ट विशेस हमारे सुनने वालों की तरफ से, देखने वालों की तरफ से। आप बहुत कामयाब रहें, बहुत अच्छा गाएं, मेरी ये दुआ है। जा बच्चा मजा कर। अच्छा इसी नोट पर मैं अपने तमाम सुनने वालों से जाने से पहले कहूंगी कि मेरा जो YouTube चैनल है रुबीना खान YouTube चैनल, उसको सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और पसंद आपको आए तो उसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। और इसी नोट पर आपका बहुत शुक्रिया इफ्तिहार यार हमारे साथ थे। कोई पैगाम आप देना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल रुबीना जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है अच्छी बातचीत रही आपसे, अच्छा लग गया, मज़ा आया। और जितने भी सुनने वाले हैं सबको बहुत सारा सलाम मेरी तरफ से, दुआएं बहुत सारी, बहुत प्यार मेरी तरफ से, और खुश रहें, सलामत रहें बस। और इसको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो
COVID-19 ये जो इसको अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश समझ के सबर शुक्र के साथ गुजारने की कोशिश करें। इंशाल्लाह एवरीथिंग गोना बी ऑलराइट, इंशाल्लाह सब कुछ वापस आ जाएगा, चहल पहल, रौनक, मोहब्बतें, दोस्तियां, प्रोग्राम, सब कुछ। आप कोशिश करें, आपने जो लॉकडाउन है या थोड़ा सा जो चेंज आया हुआ है इसमें पॉजिटिविटीज जो हैं उसको लेके आए, और करेक्शन, अकाउंटेबिलिटी, जो कमी पेशियां हैं किसी भी हवाले से उस पर नजरसानी करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपना बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, कीप गोइंग, और बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इफ्तिहार अहमद, जो के सिंगिंग करते हैं, हर तरह के गीत गाते हैं, और यहाँ मैं इजाजत दूंगी अपने तमाम इस वक्त देखने वालों से। रुबीना खान साइनिंग आउट फ्रॉम हैशटैग मुलाकात, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।